हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक इसराइल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपना खुद का एक ऑटो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इस साइट को कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे और इस साइट को क्रिएट करने से क्या फ़ायदा है, क्या इस साइट से हम लोग पैसा कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, अगर कमा पाएंगे तो वो कैसे कमा पाएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एक प्रोफेशनल साइट, वो भी न्यूज़ साइट कैसे क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर ऑटोमेटिक पोस्ट पब्लिश होता रहेगा फुल कंटेंट के साथ। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी होंगे जो कि कमेंट करेंगे कि इसराइल भाई, ऑटो ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। तो सिंपली मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी काम सही तरीके से करते हैं तो 100% आप लोग कामयाब होंगे। इसके लिए दोस्तों हमने दो तीन साइट यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ हूँ जो कि दोस्तों दिखाने के लिए। तो सबसे पहला साइट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साइट जो दोस्तों बना हुआ है ये ऑटो ब्लॉगिंग की मदद से बना हुआ है। सिंपली हम इसे यहाँ पे ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ऑटो ब्लॉगिंग की मदद से ये साइट बना हुआ है और इस साइट से पैसा कैसे कमाया जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। इस साइट के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप लोग इस तरह के साइट को क्रिएट करके किसी और एड नेटवर्क को यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। और हमने बहुत ऐसे साइट के ऊपर देखा है गूगल एडसेंस का भी ऐड लगा होता है, लेकिन उसका कुछ रिक्वायरमेंट है, उसे आपको सही तरीके से फॉलो करना होगा। मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि अगर आप लोग ऑटो ब्लॉगिंग को यूज़ करके अपने गूगल एडसेंस के ऐड को दिखाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका सही तरीका आपको नहीं पता है। अगर दोस्तों आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपके गूगल एडसेंस अकाउंट को डिसेबल कर दिया जा सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऑटो ब्लॉगिंग का यूज़ करके आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर गूगल एडसेंस का भी ऐड दिखाएँ तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो होने वाला है ये काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा साइड है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेजोन का यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिलिएट लिंक के साथ ये साइट पैसा कमा रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इन सब साइट के ऊपर धमाकेदार ट्रैफिक आता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सही तरीके से मैनेज करना सीख जाएंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर आप लोग पैसा कमा पाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमेजॉन ऐड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और भी बहुत ऐसा ऐड नेटवर्क है जिसकी मदद से आप लोग अपने साइट को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक आर्टिकल को ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इस आर्टिकल को यहाँ पर ओपन किया। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सोर्स लिंक, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साइट के ऊपर जो भी पोस्ट आया है उसका मेन पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। upi.com के ऊपर से ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं upi.com से ये जो है पोस्ट सेम टू सेम यहाँ पे अपलोड हुआ। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो है ऑटो ब्लॉगिंग काम करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और ये तीसरा साइट भी दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसे भी ओपन करके। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये भी साइट अमेजॉन का ऐड यहाँ पे लगा के पैसा कमा रहा है, जैसा कि आपको हमने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया। बहुत ऐसा ऐड नेटवर्क है जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे मोनेटाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको साइट जो होता है वो सही तरीके से क्रिएट करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने अपने एक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। सिंपली हमने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस को ही इंस्टॉल किया है और इसमें कोई भी काम नहीं किया है।
जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ भी थीम है बस यहाँ पे वैसा ही है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइटल दे दिया है, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं न्यूज़ साइट बनाना, और वो कैसे बनेगा ऑटो ब्लॉगिंग की मदद से, वो भी प्रोफेशनल। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अभी से इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे, सेटिंग के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे परमा लिंक के ऊपर जाएंगे, परमा लिंक के ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे और सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को यहाँ पे एक थीम को इंस्टॉल करना होगा। अपीयरेंस के ऊपर आपको माउस लेके जाना है, थीम के ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहां पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहां पे एक थीम को यहां पे सर्च करना है, जिसका नाम है मिशन न्यूज़। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपके सामने ये थीम आपको दिख जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है, और ये थीम जो है दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा थीम सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। चलिए हम इसे यहाँ पे एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा थीम जो है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। चलिए अपने साइट को एक बार हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं, जब आपका थीम यहां पे इंस्टॉल और एक्टिव हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा नीचे में, और साथ ही साथ यहां पे आपको ऊपर में भी देखने को मिलेगा। अब यहां पे दोस्तों बात रही इसका कस्टमाइजेशन, और यहां पे आप लोग लोगो वगैरह कैसे यूज़ करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग पोस्ट वगैरह कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा सही तरीका है और कैसे आपको यहाँ पर सारा कुछ करना है। तो सिंपली दोस्तों आपको थीम को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाना होगा, या नहीं तो आप यहाँ पे मिशन थीम डैशबोर्ड के ऊपर जा सकते हैं। जाने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ और भी अगर यहाँ पे इंस्टॉल करने के बारे में बोला जाएगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर आप लोगों को कैसे इसका यूज़ करना है इससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो भी है, आप इस वीडियो को भी देख के सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्लगइन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आप लोगों को इसे डिलीट कर देना चाहिए, अपने सर्वर पे फालतू चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा प्लगइन है। WP ऑटोमेटिक, वर्डप्रेस WP ऑटोमेटिक। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपके सामने ये साइट देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको विजिट कर लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है आपको $30 लगने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग फ्री में भी चाहते हैं तो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे आप लोग खुद ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी फ्री प्लगइन या फ्री वर्डप्रेस थीम को इस्तेमाल करते हैं तो आपके वेबसाइट को कभी भी हैक तैक किया जा सकता है, किसी भी तरह का उसमें प्रॉब्लम होगा तो वो आप समझेंगे। हमारे पास पहले से WP ऑटोमेटिक प्लगइन है तो सिंपली हम यहाँ पे इसे अपलोड कर देते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐड न्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड प्लगइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपने प्लगइन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं हमारा प्लगइन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हम इसे यहाँ पे एक्टिव करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्लगइन जो है ये सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग इसका यूज़ भी करने वाले हैं इसी वीडियो में। यूज़ करना दोस्तों बहुत ही आसान है, जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं WP ऑटोमेटिक। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपने साइट के लिए कुछ यहां पे इमेज वगैरह आपको लगा लेना है, लोगो लगा लेना है। वो कैसे लगाना चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कस्टमाइज़, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों ये जो कस्टमाइज़ जो है ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहीं से आप लोग अपने थीम को कस्टमाइज़ कर पाएंगे।
तो यहाँ पे फ्रेंड अगर आप लोग चाहते हैं लोगो लगाना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी कोई भी लोगो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चूज़ फाइल करके लोगो लगा सकते हैं, हमारे पास नहीं है। सिंपली हम चाहते हैं कि भाई हमारा टाइटल ही लोगो हो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइव न्यूज़। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग टैगलाइन अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सिंपली ये सब सारा सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे इसे पब्लिश कर लेना है। पब्लिश कर लेने के बाद आप अपने साइट को यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं कि आपका साइट यहाँ पे कैसा लग रहा है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका साइट कुछ इस तरह का लगेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल रहा है 10 दिसंबर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ पोस्ट भी पब्लिश करें, तो उसके लिए हमने जो आपको बताया है प्लगइन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि हमने अभी इंस्टॉल कर लिया है। आपको भी इंस्टॉल कर लेना है, आप लोग भी अपने प्लगइन को बाय करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर पाएंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ पोस्ट भी यहाँ पे डालें। उससे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ मेन्यू बनाना होगा, जिसको हम लोग कैटेगरी भी कह सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए हम यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैटेगरी दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका कोई भी काम नहीं है, सिंपली आप इसे यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको नया कैटेगरी बनाने के लिए ऐड न्यू यहाँ पे कैटेगरी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी का नाम डालना है। चलिए हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने डाल दिया बड़ी खबर, जो कि दोस्तों हमारा जो साइड होने वाला है यहाँ पे कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा एक कैटेगरी यहाँ पे बन चुका है। चलिए हम दूसरा कैटेगरी भी यहाँ पे बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है दुनिया। अब सिंपली यहाँ पे आपको नीचे आना है, हम यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा कैटेगरी यहाँ पे दूसरा भी बन गया। अब चलिए हम तीसरा कैटेगरी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा तीसरा कैटेगरी बिजनेस के ऊपर है। तो सिंपली हम लोग बिजनेस लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम लोग चौथा कैटेगरी भी यहाँ पे बना लेते हैं। चौथा कैटेगरी हमारा देश होने वाला है। सिंपली हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैटेगरी आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है वीडियो, उसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी, हमारा यहाँ पे फिर से कैटेगरी बन गया। आखिरी कैटेगरी हमारा यही होगा ब्रेकिंग न्यूज़। तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा कम्प्लीटली कैटेगरी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी बनाना होता है मेन्यू बनाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे अपीयरेंस के ऊपर और यहाँ पे मेन्यू के ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक मेन्यू क्रिएट करने वाले हैं। हमने इसका नाम रख दिया मेन मेन्यू। सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट के ऊपर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं हमारा मेन मेन्यू यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैटेगरी। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा टोटल कैटेगरी, जब आप लोग व्यू ऑल करेंगे। उससे पहले फ्रेंड आपको यहाँ पे होम पेज लेना ज़रूरी होता है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा होम आ चुका है और इसमें कस्टम लिंक पहले से है। अब सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी कैटेगरी है आपका, सिंपली आप यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपने कैटेगरी को आप यहाँ पे डाल दें। डालने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल कैटेगरी आ चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जैसे जैसे रख रहे हैं वैसे वैसे आप भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी खबर, दुनिया, देश, बिजनेस, तो हमारा यहाँ पे बिजनेस जो है ये ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट बैठ चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस मेन्यू को कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तो प्राइमरी में हम दिखाना चाहते हैं और यहाँ पे हम लोग सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारा मेन्यू जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। चलिए हम इसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा मेन्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अभी क्लिक करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे एक पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वर्डप्रेस की तरफ से है।
ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पे से रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे पोस्ट के ऊपर, ऑल पोस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है पेज खुल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करके इसे हम यहाँ से ट्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और इसे परमानेंटली हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। ओके, तो ये हमारा परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलेंगे डब्ल्यू पी ऑटोमेटिक के ऊपर, ऑल कैंपेन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी कैंपेन यहाँ पे क्रिएट नहीं किया गया है। तो सिंपली आपको न्यू कैंपेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको अपने कैंपेन का नाम देना है, जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और इसका टोटल लिमिटेशन वगैरह मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे क्या क्या करना होता है इसमें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बड़ी खबर, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फीड सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंपेन का लिमिटेशन पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे 2000, 3000, 10000, 50000, 1 लाख भी सेट कर सकते हैं। जब इसका लिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस कैंपेन में कोई भी पोस्ट पब्लिश नहीं होगा, इसीलिए आप अपने होस्टिंग के हिसाब से यहाँ पर सेट करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हम यहाँ पर 2000 पे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2000 का 2000 ही रहने दे दिया, किसी भी तरह का इसमें कोई भी हमने छेड़खानी नहीं की है। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने साइट के ऊपर पोस्ट कैसे चाहते हैं, 1 मिनट में कितना पोस्ट चाहते हैं या 60 मिनट में कितना चाहते हैं। आप यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं डे में चाहते हैं या मिनट में चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम चाहेंगे कि हमारे साइट के ऊपर मिनट में ही पोस्ट पब्लिश हो, तो सिंपली हम यहाँ पे कुछ मिनट यहाँ पे सेट करने के बाद इसको वैसे ही छोड़ देंगे और आगे का प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका पोस्ट किसके द्वारा आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया RSS फीड, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई फीड का लिंक आप यहाँ पे दें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात हो गई कि भाई RSS फीड का लिंक आप कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने कुछ लिंक को यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं हिंदी में न्यूज़ साइट बनाना तो इस लिंक को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ फीड को यहाँ पे कलेक्ट किया है, चलिए हम इसका यूज़ करके आपको दिखाते हैं। सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऑटो डिटेक्ट फुल कंटेंट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको कुछ सेटिंग और करना है, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करना ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ऐड पोस्ट विथ ओरिजिनल टाइम, आप इसे यहाँ पे टिक करें। अब यहाँ पे फ्रेंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, स्किप पोस्ट विथ नो कंटेंट, आपको यहाँ पे इसे टिक कर देना है। इसको टिक करने से क्या होगा कि आपके साइट के ऊपर बिना कंटेंट वाला पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई ऐसा पोस्ट भी कभी कभी लोग पब्लिश करते हैं जिसमें कोई भी इमेज नहीं होता है, उसे क्या आप अपने साइट के ऊपर पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, स्किप हो जाएगा, इस तरह का पोस्ट आपके साइट के ऊपर पब्लिश नहीं होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे सबसे नीचे में आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसको टिक करने से दोस्तों ये होगा कि भाई किसी भी तरह का लेजी इमेज जो है वो आपके साइट के ऊपर अपलोड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है ओरिजिनल टाइटल, यानी कोई भी साइट अगर कुछ भी पोस्ट करता है जिसका आप RSS फीड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल टाइटल के साथ ही आएगा। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड वन देखने को मिल रहा है, इसे आपको यहाँ पे रिमूव कर लेना है, और ऐड टू भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसे भी आपको यहाँ पे रिमूव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सोर्स लिंक, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होता है, आप इसे ना हटाएं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है,
तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं पोस्ट पेज या कुछ भी और भी ऐड करना तो कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम चाहते हैं पोस्ट लेना। और यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी कैटेगरी बनाया था वो कैटेगरी का लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस आरएसएस फीड का जितना भी पोस्ट होगा आप किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे इसे दिखाना होगा। तो हम चाहते हैं इसे बड़ी खबर में दिखाना, ठीक है। तो हम सिंपली इसे यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीवर्ड टू कैटेगरी, ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। और टिक करने के बाद अगर आप लोग चाहोगे यहाँ पे कुछ इस कैटेगरी का कीवर्ड वगैरह देना तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसे अनटिक कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं पोस्ट अर्थर, आप लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अगर आप लोग डायरेक्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश के ऊपर ही रहने दें। अगर आप लोग पेंडिंग वगैरह रखना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ड्राफ्ट पेंडिंग प्राइवेट वगैरह कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं डायरेक्ट पब्लिश हो जाए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है सेट टाइटल वर्ड एस टैग, सिंपली आपको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे दोस्तों स्किप नंबर, इसके ऊपर भी टिक कर देना है। कीवर्ड टू टैग के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और इस बॉक्स में अगर आप लोग कुछ कीवर्ड वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल अभी हम देना नहीं चाहते हैं। अगर दोस्तों आप लोग देंगे तो आपका जो पोस्ट होता है वो जल्द से जल्द रैंक करेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग ऑन करना है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसे इंडिकेट कर सकते हो कि भाई मिनिमम जो होना चाहिए हमारे साइट के ऊपर 1000 वर्ड या 1000 करेक्टर, ठीक है, इतना का होना चाहिए। कम से कम आप 1000 तो यहाँ पे रखें ही रखें, ठीक है, 1000, 1200, 1300 आप यहाँ पे ज़रूर रखें। इससे कम का पोस्ट जो है आपके साइट के ऊपर पब्लिश नहीं किया जाएगा। अब सिंपली दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश का बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पब्लिश हो चुका है। आप लोग यहाँ पे रन कैंपेन के ऊपर क्लिक करके एक कैंपेन यहाँ पे टेस्ट करने के लिए रन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक पोस्ट यहाँ पे रन कर चुका है। चलिए हम इसे यहाँ पे ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला पोस्ट जो हमारा यहाँ पे रन हुआ है यहाँ पे कम्प्लीटली फुल कंटेंट के साथ यहाँ पे रन किया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ टैग वगैरह भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात रही कि हर एक मिनट में ये साइट अगर कोई भी पोस्ट पब्लिश करता है तो हमारे साइट के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऊपर में देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे आपको कचरा देखने को मिल रहा है। सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, रिसेंट कमेंट है। चलिए हम लोग इसे भी फटाफट हटा लेते हैं इसी वीडियो में, कैसे हटाते हैं चलिए सीख लेते हैं। तो उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेंसिल का बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप लोग यहां से इसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहां से हम लोग फटाफट इसे रिमूव करके होम पेज को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां पे इसे पब्लिश करेंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद हम लोग यहां पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहां से सारा फंडा हट चुका है। अब हमारे पास दो लेआउट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है। इसे हम लोग कैसे कस्टमाइज़ करेंगे वो भी हम आगे चल के बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कैंपेन के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे न्यू कैंपेन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू कैंपेन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको टाइटल देना है। चलिए हम टाइटल दे देते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया दुनिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फीड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे और जितना भी पोस्ट हम चाहते हैं, ठीक है, इस फीड में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपने आरएसएस फीड को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फीड लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमारा फीड लिंक यहाँ पे पहले से है तो ये वाले लिंक को हम चाहते हैं यहाँ पे डालना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। इसका जितना भी हम इस वीडियो में आरएसएस फीड इस्तेमाल करने वाले हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तो ऑटो डिटेक्ट फुल कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे
यहाँ पे आपको ऐड पोस्ट ओरिजिनल टाइम के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसकी पोस्ट नो कंटेंट के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आप लोग वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा कि जो जो सेटिंग मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसे भी स्किप करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मिनिमम ज़रूर यहाँ पे सेलेक्ट करें कि कितने कैरेक्टर का आप पोस्ट चाहते हैं मिनिमम। उससे कम का अगर होगा तो आपके साइट के ऊपर पब्लिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको लेज़ी इमेज को भी यहाँ पे फिक्स कर लेना है। लेज़ी इमेज अगर अपलोड होता है तो ये अपलोड नहीं होगा, ठीक है, आपके साइट के ऊपर पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आना है और यहाँ पे फ्रेंड आपको देख लेना है कि आपका ओरिजिनल टाइटल सेलेक्ट है या नहीं है। उसके बाद आपको ऐड वन यहाँ से हटाना है और ऐड टू भी यहाँ से आपको हटाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी अपना सेलेक्ट करना है, तो हमारा कैटेगरी दुनिया है तो हम यहाँ पे दुनिया के ऊपर क्लिक करके छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कीवर्ड वगैरह लगाना तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश करना तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं, वरना आप सेव प्राइवेट पेंडिंग ड्राफ्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद इसे स्किप कर लेना है हर हाल में, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप ये सारा सेटिंग को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे 100% टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आना है, बस इतना सही आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे इस साइड देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं, मिनट में चाहते हैं अपडेट या आप घंटा में चाहते हैं या दिन में चाहते हैं? हम चाहते हैं 60 मिनट में हमारे साइट के ऊपर पोस्ट पब्लिश हो। तो सिंपली फ्रेंड ये सब सारा सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये पब्लिश हो चुका है और आपको यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है, आप यहाँ पे डेमो के लिए रन कर सकते हैं एक कैंपेन को। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एक पोस्ट यहाँ पे रन हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा एक नया पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, फुल कंटेंट के साथ। और यहाँ पे दोस्तों सोर्स लिंक भी हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही दोस्तों कि और अब आपको क्या करना है, तो इसी तरीके से दोस्तों जितना भी हमने आपको RSS फीड दिया है टोटल RSS फीड के ऊपर आप यहाँ पे पोस्ट पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फटाफट सारा RSS फीड के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने के बाद आपको अपना साइट कैसे कस्टमाइज़ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने कुछ पोस्ट और कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कैसे कैसे करना। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे पोस्ट पब्लिश होने लगा है और कम्प्लीटली हिंदी में है। अगर आप लोग चाहोगे इंग्लिश वाला भी पोस्ट डालना तो उसका भी आप लोग RSS फीड वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक दो पोस्ट यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सोर्स लिंक के साथ ही यहाँ पे पोस्ट पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका कस्टमाइजेशन भी थोड़ा सा कर लेते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बार और राइट साइड बार का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे दोस्तों आपको अपीयरेंस के ऊपर जाना है और विडगेट के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड बार आपको खाली है और राइट साइड बार में आपको यहाँ पे आर्चीव कैटेगरी मेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पे घिनाया हुआ है, इसे आप कैसे हटाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि हटाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसे डिलीट करेंगे और कैटेगरी अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं आप, ठीक है। सिंपली हम इसे अभी रखना चाहते हैं तो रहने देते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसे मेटा को भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डन करेंगे
उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कैटेगरी हमारा आ चुका है ड्रॉप डाउन, तो इसे हम ड्रॉप डाउन नहीं रखेंगे। हम लोग यहाँ पे इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी हमारा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कितना कितना किसमें पोस्ट है। अगर आप लोग चाहोगे इसे कंप्लीट हटाना तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से कैटेगरी भी हट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट क्लीन हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे अपना साइड बार जो है आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रीसेंट पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं या आप राइट में रखना चाहते हैं, तो हम राइट में रखना चाहते हैं। सिंपली हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक कैटेगरी चूज़ करेंगे बड़ी खबर। अगर आप लोग यहाँ पे टैग भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, वरना कोई बात नहीं है आप इसे अनटिक करो। उसके बाद रिलेशनशिप वगैरह आप अगर दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, वरना आप इसे अनटिक करोगे। अब यहाँ पे फीचर इमेज को आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप टिक करोगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट भी दिखा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे चाहते हैं 6 पोस्ट दिखाना। उसके बाद फ्रेंड आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, इसका स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब हम लोग इसे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड बार में भी हमारा कुछ कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ पे पोस्ट पब्लिश करेंगे सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात रही कि लेफ्ट साइड बार में आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा रिसेंट पोस्ट आप यहाँ पे दिखाएँ, ठीक है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करें और लेफ्ट साइड बार के ऊपर क्लिक करें और ऐड विडगेस के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक कर देने के बाद सिंपली आप यहाँ पे 6 पोस्ट दिखाएं, उसके बाद आप यहाँ पे इसे सेव कर दें, उसके बाद डन कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हमारा साइट सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पे पोस्ट पब्लिश होता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा साइट जो है काफ़ी खूबसूरत आपको देखने में लगेगा। इस साइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमने इस साइट को सब डोमेन के ऊपर क्रिएट किया है, जैसा कि आप ऊपर में यूआरएल भी देख सकते हैं। तो कितनी आसानी के साथ हमने एक ब्यूटीफुल खूबसूरत न्यूज़ वाला साइट बहुत ही आसानी के साथ क्रिएट कर लिया। तो फाइनली फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से आप लोग ऑटो ब्लॉगिंग की मदद से एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सा न्यूज़ साइट कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।